बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के भी देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर तो है, पहला साल है आपका। एक साल में दो बार पेपर हुआ करेंगे प्राइवेट छात्रों का, एक साल में एक बार पेपर हुआ करेगा। रेगुलर स्टूडेंटों का एक साल में दो बार पेपर हुआ करेंगे। तो आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो सेमेस्टर वाइज मतलब यू इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से कह सकते हैं। यदि आप खुद देखोगे अपने हिसाब से तो सिलेबस सेम टू सेम ऐसा मिलेगा। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं यूनिट वाइज। यदि आपको लगता है कि सर कुछ गलत है, कुछ सिलेबस नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट करो, कॉल करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, एक बार कॉल कर दो कि सर हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ये है और इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा सा मैच नहीं खा रहा, क्या करना चाहिए मुझे। तो आप मुझे सिलेबस सेंड कर दीजिए, यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए, मैं खुद से सिलेबस को डाउनलोड करके उसके आधार पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। हम आपके लिए बने हैं, आप हमारे लिए नहीं, हम आपके लिए बने हैं, समझ रहे हैं। पूरी हेल्प करेंगे एक्स वाई जेड, एनी वे कोई भी प्रॉब्लम आती है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक होता है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम करेंगे खुद से। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलो स्टार्टिंग करते हैं। और हाँ, जो हम वादा करते हैं या फिर आप हमसे वादा करिए, वादा करना होगा कि जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सारे याद करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे सभी दोस्तों तक, भाई बहन तक, जो भी हैं कॉलेज में मेम्बर हैं, दोस्त हैं, सबको बता देंगे पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के बारे में, क्योंकि हम भरोसा के साथ में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं और भरोसा पूरा करते हैं। वादा जो करते हैं वो वादा हम पूरा करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको कुछ दो मंथ पहले कुछ क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस का वादा किया था। आज मैं आपको दे रहा हूं, अभी पेपर से दो दिन पहले भी आपको दो दिन पहले दूंगा केवल 10 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को याद करके आप 70% लाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी आपका जब भी पेपर होने वाला है आप इन क्वेश्चनों को याद करके 80% लाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें से फालतू क्वेश्चन दे रखे हैं। फालतू का मतलब है उसका यूज हमें नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, और आपको बेहतरीन बनना है, अच्छा बनना है, कुछ नया करना है, ठीक है। तो आप अभी ये पढ़िए और बेहतरीन कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ छुड़वाऊंगा। केमिस्ट्री के पेपर की बात करेंगे, यहाँ है सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। अब देखते हैं 2022 में कौन से छप रहे हैं पेपर में, ठीक है, ठीक है बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर देना वीडियो को। चलो अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ है कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। तो आप समझ रहे हैं कुछ हिंदी में यहाँ वर्ड दे रहे गए, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, इसका मैं इंग्लिश के ट्रांसलेट कर सकता हूँ या फिर आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट खुद कर लेना, ठीक है। यहाँ है कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन, तो कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में देख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कितने भागों में डिवाइड किया गया है, समझ रहे हैं, कितनी भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं, उनके बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स के चक्रीय सूत्र की विलयन संरचना, मतलब कि मोनोसैकेराइड जो होता है उसकी संरचना आपको बता देनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। उसके बाद में है फ्लाइन हाइड्रेज की अभिक्रिया, इसको छोड़ दीजिए, वैसे फ्लाइल जो है हाइड्रोजन की अभिक्रिया है, काफी इंपोर्टेंट है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, पढ़ने से कुछ नहीं जाता, आप एक बार पढ़ लोगे तो बना बना के लिख दोगे। बाकी माल्टोज के बारे में आप याद करेंगे, माल्टोज क्या होता है, ठीक है, एक होता है कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मेशन का समरूपण आपको याद करके जाना है, ठीक है, ओके। जैसे हम डी ये एडो होगा, ठीक है, डी एडो हेक्सो पाइरोनोज के समरूपण, जिसे हम कॉन कह सकते हैं, जिसके हम कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको आप याद करके जाएंगे। शायद मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है, मैं इसको दोबारा से एक बार करूंगा और जो भी आपका पेपर होगा दो दिन पहले उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है, इंग्लिश में सब कुछ बता दूंगा। ये अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल के महत्व याद कर लेना, अमीनो अम्ल के महत्व ही काफी इंपोर्टेंट होंगे। बाकी यहाँ अल्फा अमीनो अम्ल बनाने की विधि यहाँ बोल रखा है, तो आप अब देखो अमीनो अम्ल को बोलते हैं इस तरीके से बोलेंगे ना, अमीनो एसिड बोलते हैं इसको, अमीनो अम्ल को आप अमीनो एसिड लिख दीजिए। यहाँ देखो है पेंटोड का क्लासिफिकेशन, इसको छोड़ दीजिए, पॉली पेंटाइड्स की संरचना, इसको पढ़ के जाएगा, प्रोटीन की संरचना उनके गुण को याद करके जाएंगे, एंजाइम की क्रियाविधि, उनके प्रकार, एंजाइम के प्रकार जैसे कि कोएंजाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट,
को एंजाइम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्रिया विधि एंजाइम के पढ़ के जाना, डीएनए आरएनए में आप अंतर पढ़ के जाएंगे और डीएनए आरएनए के प्रकारों को पढ़ के जाएंगे, ठीक है ओके। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उसके संगठन के बारे में, वाटसन क्रिक के डीएनए मॉडल के बारे में, डीएनए आरएनए में अंतर देखो यहाँ हो चुका है पहले से मैंने बता रखा हूँ, जेनेटिक कोड के गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, कोड किनोड और एंटी किनोड को छोड़ दे देना कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन शॉर्ट में फंसने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट लॉन्ग यहाँ दोनों क्लियर किए गए, शॉर्ट लॉन्ग दोनों क्लियर किए गए, इसमें कोई इशू नहीं है ठीक है। उसके बाद में है देखो ट्रांसक्रिप्ट और लॉसेशन को इसको छोड़ दिया, दवाएं डिजाइन क्या होता है इसको और पीड़ाहारी, देखो यहाँ आपको बताना है पीड़ाहारी दर्द नाशक क्या होता है और दवाइयों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ दवाइयाँ यहाँ बोली गई हैं, जैसे कि दवाइयाँ इलाज में जो किया जाता है तो दवाई इलाज जैसे पीड़ानाशक मतलब कि दर्द नाशक में आपकी कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, जैसे कि निसिप है, नीमू स्लाइड ले लीजिए, बहुत सारी टेबलेट होती है, पैरासीटामोल भी हम हल्के दर्द के लिए यूज करते हैं, और वहीं आपको कह रहे हैं तपेदिक रोग, जैसे तपेदिक रोग को हम कह सकते हैं, तपेदिक रोग को हम वो कहते हैं ना जैसे टीबी हो गई, वो चीजें वहां आपको याद करना है, कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्रिस्टल और अक्रिस्टल ठोसों के बारे में, सल्फा एसीटोनामाइड को देखो एसीटोनामाइड बनाने की विधि आपसे पूछेगा यहाँ, बनाने की विधि के बारे में इसको पढ़ के जाना, बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे, और क्रिस्टल अक्रिस्टल में अंतर आपसे पूछ रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा, और त्रियक जालक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है समिति विलयन के बारे में, आप इसको नियम के बारे में आप याद करिए, समिति नियम क्या होता है, अंतःफलन कोण नियम क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाएंगे ठीक है। और उसके बाद में यहाँ देखिए हम कहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ देखिए ये हो गया ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए थे, अंतः नियम, ये देखिए अंतःफलन कोण नियम के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, और परिमेय आघात नियम ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला मतलब घातांक और पिया ये ठीक है, परिमेयता घातांक का नियम ये बहुत है, ब्रैंक समीकरण इज मोस्ट इंपोर्टेंट, बाकी एग्जाम से पहले आपको इंपोर्टेंट दूंगा क्योंकि मैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो जो जो क्वेश्चन यदि एक आध क्वेश्चन आपका छूट जाता है आपको समझ में नहीं आता कि सर ने ये कहाँ से दे दिया और हमारे सिलेबस में नहीं है और बाकी सब कुछ मिल जाते हैं, तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको मत करो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। आप हमारे इसको नोट्स को डाउनलोड करने के लिए नोट्स को डाउनलोड करने के लिए paperhacker.in वेबसाइट पर जाना होगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना, पोटेशियम के बारे में आप देखेंगे, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछ लेता है कि सोडियम क्लोराइड जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, और ये बहुलक जो आप देख रहे हैं ये वाला बहुलक क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोजिन बनाने की विधि आपसे पूछता है ठीक है, औद्योगिक निर्माण के बारे में, औद्योगिक निर्माण क्या होता है, पॉलीमर छोड़ दीजिए, और ये है देखो, और बस रात बाकी लास्ट में ये होगा आपका जिसे कहते हैं थैलिन रंजक क्या होता है ठीक है, और जैंथिन रंजक इसको छोड़िए, रंजक पढ़ लेना, रंजक का क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, बस यही पढ़ोगे, और मुक्त मूलक बहुलीकरण को छोड़ो, इसको सब कुछ हटाओ, बहुलीकरण हमने ऊपर पढ़ लिया है, वो बहुलीकरण आप पढ़ोगे, बहुलीकरण को प्रकार के पढ़ लो, वही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। जो आपको बहुलीकरण से एक क्वेश्चन मिलेगा देखने को, वो भी लॉन्ग में मिलेगा, बहुलीकरण के 3 पॉइंट होते हैं, तीनों पार्टों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और बहुलिक जब भी आए पॉलीमराइजेशन तो 3-2 भागों में डिवाइड किया जाता है, उन्हें 2 प्रकार के होते हैं ठीक है, एक संघनन और एक और होता है, उसको दोनों को पढ़ लेना अच्छे तरीके से ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है, कुछ और नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो हिंदी में शायद हमने जो टाइपिंग किया है उसको मैं चेंजेस करके इंग्लिश में ला रहा हूँ ठीक है, इसको तो इंग्लिश में कर रखा है देखो, ट्रांसलेट कर रखा है जियोलॉजी वाले को, बाकी मैं केमिस्ट्री का जो होगा वो इंग्लिश में करा दूंगा ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।